मानिए मेरा, पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से, स्पेशली फॉर नीट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ, मैं इस बात को दावे से बोल सकता हूं कि नीट में जो 45 सवाल आएंगे आपके बेटा फिजिक्स में, उसमें से 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जिनमें अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर स्ट्रांग हो तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। नीट का एग्जाम निकालने के लिए आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बायोलॉजी, जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान भी पढ़ना होगा। अब अगर मैं नीट की बात करूं बेटा, तो नीट में यूजुअली सभी बच्चे बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी काफी बढ़िया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को फिजिक्स में और थोड़ी कभी केमिस्ट्री में परेशानी रह जाती है। तो बेटा फिजिक्स को मजबूत करने के लिए और आगे चल के क्लास 12th क्लास 11th का पूरा फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स या थोड़ा सा गणित रिवाइज करना होगा। क्लास 10 तक हमने भले ही बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा आपको मैथ्स में और भी छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। जैसे क्लास 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होता है, लेकिन त्रिकोणमिति आपने उस लेवल तक पढ़ा होता है जितना क्लास 10th के बोर्ड में रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम 11th और 12th की फिजिक्स की बात करें बेटा, तो इसमें आपको और थोड़ा बेहतर त्रिकोणमिति पता होना चाहिए और भी थोड़े बेहतरीन इसके फॉर्मूले और सूत्र आपको ज्ञात होने चाहिए। साथ ही साथ आपने क्लास 10th में अवकलन समाकलन नहीं पढ़ा होता है, जो कि क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम इन बेसिक मैथ्स की या मूलभूत गणित की क्लासेस में कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये सब आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए मेरा, पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से, स्पेशली फॉर नीट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ, मैं इस बात को दावे से बोल सकता हूं कि नीट में जो 45 सवाल आएंगे आपके बेटा फिजिक्स में, उसमें से 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जिनमें अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर स्ट्रांग हो तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ये बात आपने बेटा पिछले साल क्लास 11th में भी अपनी थोड़ी बहुत नोट भी करी होगी कि सर हमने बायोलॉजी जब सब्जेक्ट लिया और सपना देखा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, भारत देश की सेवा करनी है, तो उसमें बायो तो मुझे बढ़िया तरीके से बन रही थी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में कहीं कहीं जहां पर मैथ इस्तेमाल होता है तो वो मेरा पोर्शन गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बेटा कि बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट इसलिए चूज कर लेते हैं ताकि उन्हें मैथ से बच जाए, या उन्हें मैथ्स में कमजोरी रहती है क्लास 9th और 10th क्लास में, तो उससे बचने के लिए, उसे बाईपास करने के लिए बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन बेटा ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमको डॉक्टर बनने के लिए नीट में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक भी लानी होगी, और साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो बेटा उन्हीं बढ़िया मार्क्स स्कोर कराने के लिए आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मूलभूत गणित पढ़ाऊंगा।